जिले प्रदेश और देश में आज बढ़ते आपराधिक मामलों में युवाओं की भूमिका ज्यादा देखी जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन का यह मानना है कि यह सब नशे की गिरफ्त में आने से हो रहा है। एक बार फिर शहर प्रदेश और देश में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इनमें से ज्यादातर आपराधिक मामलों में युवा वर्ग की संलिप्तता देखी जा रही है और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर युवा किसी न किसी नशे की गिरफ्त में पाए जाते हैं और नशे की हालत में ही ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं जिससे उनकी बाकी की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा जेल में बिताना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का भी यह मानना है कि आज के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशा भी कुछ अलग अलग ढंग का देखा जा रहा है। दुर्ग जिला पुलिस ने अब नशे का व्यापार करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। CSP विश्वास चंद्राकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आज का युवा अपने मार्ग से भटक रहा है और कहीं ना कहीं इन सभी नशाखोरी करने वाले युवाओं के हालातों के जिम्मेदार उनकी परवरिश करने वाले भी हैं। एक विशेष बात गौर करने की है, युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है, वे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उससे उनको मुक्त कराना बहुत आवश्यक है। उससे वो मुक्त होंगे तभी अपराध से बाहर निकल पाएंगे। अचानक इस प्रकार के नशे के तौर में वे अपराध कर बैठते हैं जिसका उनको ज्ञान और भान नहीं रहता, इसलिए समाज को, घर के लोगों को, माँ बाप को, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि युवाओं को जब वे नशे के गिरफ्त में जा रहे हों उस समय उनको रोका जाए। आज घर के बड़े बुजुर्ग परिवार की परवरिश के लिए पैसों के पीछे इस कदर भागते हैं कि वे अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियों से विमुख होते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में जाता जा रहा है और नशे की हालत में आपराधिक मामलों को अंजाम भी दे रहा है। हमें जल्द यह समझना होगा कि युवा देश का भविष्य है और अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो शायद हालात और बिगड़ सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।